हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज की। तो देखिए, टोपोलॉजी एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी का मतलब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि टोपोलॉजी का मतलब होता है ओरिएंटेशन। मतलब क्या हुआ कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे जो भी डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो कुछ भी कनेक्टेड हैं कंपोनेंट्स, वो किस तरह फिजिकली उनका फिजिकल लेआउट क्या है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब मान लीजिए, हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये एक कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, इसके साथ एक ये प्रिंटर कनेक्टेड है, दिस इज़ प्रिंटर। फिर हमने कहा ये मॉडेम कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये एक स्कैनर कनेक्टेड है, स्कैनर, और एक दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक, और एक तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए इस तरह भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे हमने कनेक्ट किया, ठीक। फिर ये डायरेक्टली भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ ऐसे भी, ठीक, और भी कई तरीके हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि फिजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सबसे आसान लैंग्वेज में, कि जो फिजिकल लेआउट होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, वो कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अब डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने में यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच आर यूज टू फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें अगर हम बाई नेम बात करें तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि डिफरेंट टोपोलॉजीज विच आर यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका बस टोपोलॉजी, ठीक है। सेकेंड है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है मेश टोपोलॉजी, फोर्थ है नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी, और नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, और सिक्स्थ है आपका वायरलेस टोपोलॉजी। तो ये डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज यूज होती है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में, मतलब उनको उनका फिजिकल लेआउट डिसाइड करने में, ठीक है। अब इसमें से कुछ टोपोलॉजीज जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेश टोपोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद है आपका ये बस टोपोलॉजी हो गया, फिर मेश टोपोलॉजी हो गया, उसके बाद है आपका रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, उसके बाद है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद हाइब्रिड और वायरलेस। ये सारी टोपोलॉजीज हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विथ बस टोपोलॉजी, ठीक है। देखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ए बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए मेन रन ऑफ केबल विद ए टर्मिनेटर एट ईच एंड। ऑल नोड्स लाइक वर्क स्टेशन, प्रिंटर, लैपटॉप, सर्वर एटसेट्रा आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल। द टर्मिनेटर इज यूज टू एब्जॉर्ब द सिग्नल वेन द सिग्नल रीचेज द एंड, प्रिवेंटिंग सिग्नल बाउंस। वेन यूजिंग बस टोपोलॉजी, वेन ए कंप्यूटर सेंड्स आउट द सिग्नल ट्रेवल्स द केबल लेंथ इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर। वेन द सिग्नल रीचेज द एंड ऑफ द केबल लेंथ, इट बाउंसेज बैक एंड रिटर्न्स इन द डायरेक्शन इट केम फ्रॉम। दिस इज नोन एज सिग्नल बाउंस। सिग्नल बाउंस विल क्रिएट प्रॉब्लम इन नेटवर्क बिकॉज इफ अनदर सिग्नल इज सेंट ऑन द केबल लेंथ एट द सेम टाइम द टू सिग्नल्स विल कोलाइड। तो ये प्रॉब्लम होती है और ये ओरिएंटेशन होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए इसको ऐसे समझिए कि इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, दिस इज ए वर्क स्टेशन समझ लीजिए, ये दूसरा वर्क स्टेशन है हमारा, से हमने कहा PC2 है, ये हमारा PC1 है, ठीक। और भी वर्क स्टेशन मान लीजिए, हमने कहा एक वर्क स्टेशन यहाँ पे है हमारा कनेक्टेड PC3, और एक वर्क स्टेशन है हमारा यहाँ पे कनेक्टेड PC4,
तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये सारे एक कॉमन बस से, देखिए बस के बारे में आपको डिफरेंट वीडियोस मैंने चैनल पे डाली हुई है, तब भी मैं यहाँ आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि बस किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बगैर उसके आपके समझ नहीं आएगा। तो बस क्या होता है, बस सिंपली ग्रुप ऑफ रजिस्टर होते हैं, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। और रजिस्टर क्या होता है, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि रजिस्टर एक डिवाइस है जो टेम्परली डाटा अपने पास होल्ड करता है, ये जो है टेम्परली अपने पास डाटा होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो जब भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, और कई रजिस्टर मिलके एक बस बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे ये चारों कंप्यूटर हैं, तो इनके बीच में एक ये कॉमन बस होती है, आप ये समझ लीजिए कॉमन माध्यम होता है डाटा ट्रांसफर का, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये सारे इससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से आपको कनेक्शन दिखा देते हैं, ये आपस में इस बस से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो और इसमें क्या होता है, ये जो एंड होते हैं इसके किनारे वाले, वो जो सिग्नल बाउंस बैक अभी हम आपको बता रहे थे, वो बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये टर्मिनेटर एंड होते हैं, ये जो एंड होते हैं दे आर कॉल्ड टर्मिनेटर, मतलब यहाँ पे बस खत्म हो रही है, या ये जो एंड हो गया ये हो गया टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी, जैसे मान लीजिए पीसी वन ने कोई भी सिग्नल यहाँ से भेजा, ठीक है, और कंप्यूटर्स के लिए, तो वो सिग्नल इस कॉमन बस के आने के बाद दोनों तरफ ट्रेवल करता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर एंड पे क्या होता है कि ये टकराने के बाद फिर वापस रिवर्ट बैक होगा, और अगर रिवर्ट बैक होगा और उस समय मान लीजिए PC4 ने भी कोई सिग्नल भेजा ट्रेवलिंग के लिए, तो क्या होगा कि ये सिग्नल जो यहाँ से लौट रहा है और ये जो जा रहा है, ये आपस में कोलाइड हो जाएंगे, और कोलाइड हो जाएंगे तो सिग्नल एक दूसरे को डिस्टॉर्ट कर देंगे, वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ये जो टर्मिनेटर एंड होते हैं, जहाँ पे ये बस ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि सिग्नल बाउंस बैक ना करे, यहाँ पे टोटली एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सिग्नल का बाउंस बैक रोकने के लिए इसको हम टोटली यहाँ पे एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सिग्नल्स का आपस में कोलाइड ना हो। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बस टोपोलॉजी कहलाता है। देयर इज ए कॉमन बस ऑन विच द सिग्नल ट्रेवल्स, ठीक। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले हम लोग इसके एडवांटेज की बात करते हैं, बस टोपोलॉजी के जो एडवांटेज हैं वो ये है कि देखिए, पहले हम लिखते हैं इसको से एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, पहला तो ये है कि इजी टू कनेक्ट ए कंप्यूटर और पेरिफेरल्स टू ए लीनियर बस, मतलब कनेक्शन इजी होता है इसमें, किसी भी कंप्यूटर को या किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो कनेक्शन इज इजी, ऐसे आप समझ सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन ए अदर टोपोलॉजी, तो इसमें जो केबल की जो लेंथ है, केबल लेंथ उसकी कम ज़रूरत पड़ती है, केबल लेंथ रिक्वायरमेंट इज लेस देन से, देन अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी, ऐसे समझ लीजिए आप स्टार टोपोलॉजी, ये फायदा होता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है। लेकिन नुकसान इसमें क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी आप जान लीजिए क्या है। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि पहला डिसएडवांटेज क्या है कि एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ देर इज ए ब्रेक इन द मेन केबल, यस, जैसे आपने डायरेक्शन अभी आपने देखा ना था, ये मेन केबल था हमारा और सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड थे, ये कनेक्टेड था, ये था, ये था और ये था, मान लीजिए, है ना। अब मान लीजिए कि ये जो मेन केबल है हमारा, ये वाला, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ब्रेक आ गया, तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर इसी कॉमन केबल से जुड़े हुए हैं, और अगर इसी कॉमन केबल में कोई प्रॉब्लम आई तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क से अलग हो जाएंगे,
तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा क्या है कि टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल। वो भी आप अभी मैं टर्मिनेटर की बात की थी कि दोनों एंड पे, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी हमें टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है ताकि सिग्नल जो है बाउंस बैक ना करें। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। यस, अब मान लीजिए हमने ये कहा कि मान लीजिए किसी भी कारण से कहीं पे भी, मान लीजिए ये इतनी लंबी लेंथ है केबल की और कहीं यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब आप पूरा नेटवर्क बैठ गया, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो गया। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना कि किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे, पूरे नेटवर्क पे किस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हुआ है, ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक। और चौथा डिसएडवांटेज क्या है? चौथा यह है कि देर इज नो मीन टू बी यूज्ड एज ए स्टैंड अलोन सोल्यूशन। मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क जब शट डाउन हो गया, बैठ गया, बेकार हो गया, तो कोई तरीका नहीं है कि स्टैंड अलोन की तरह से हम इसका काम करवा सकें। ठीक। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं, इसके बस टोपोलॉजी के। ठीक। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम लोग बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बाद मेश टोपोलॉजी की। तो देखिए, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इन केस ऑफ मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, किस तरह का कनेक्शन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन दीज डेज। इन मेश टोपोलॉजी एवरी नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क डिवाइसेज। मतलब इसमें हर डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने कहा एक कंप्यूटर हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक। तो इसमें हर एक डिवाइस, जैसे ये मान लीजिए आपने ऐसे आपने जोड़ा तो ये तो कनेक्शन में जुड़ ही गए, लेकिन इसके साथ ही साथ ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा। ठीक है। हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया आपने और जो रह गया वो कनेक्ट कर, ये ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली। ठीक। ये इसका फायदा रहता है। तो इन मेश टोपोलॉजी एवरी नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क डिवाइसेज। लेकिन इसमें क्या होता है कि दिस टोपोलॉजी इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा केबल्स। वो आप देख ही रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा केबल की जरूरत पड़ेगी और कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद मेनी रिडंडेंट इंटरकनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दो तीन प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा केबल की जरूरत पड़ती है, मोर केबल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और जब आप इस तरह का नेटवर्क बनाएंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि डबल डबल का मतलब रिडंडेंट कनेक्शन भी हो जाए। रिडंडेंट कनेक्शन की भी संभावना रहती है। ठीक। तो फिर क्या होता है कि इन ए ट्रू मेश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज ए कनेक्शन टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। ईच नोड इज कनेक्टेड टू एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ नेबर्स इन सच ए वे दैट देयर इज एटलीस्ट वन ट्रांसवर्सल फ्रॉम एनी नोड टू एनी अदर। मतलब कि फिर कोशिश ये की जाती है ट्रू मेश टेक्नोलॉजी में, ट्रू मेश टोपोलॉजी में, कि हर कंप्यूटर डिवाइस कम से कम एक माध्यम से या एक पाथ जरूर हो जो उसको दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सके। ठीक है। तो ये तो होता है मेश टोपोलॉजी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, पहले फिजिकल लेआउट की हम लोग बात करेंगे। फिजिकल लेआउट कैसा होता है रिंग टोपोलॉजी का? तो रिंग टोपोलॉजी इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो एक रिंग बनाते हैं। ठीक। मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं है एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक दो तीन चार
से 5 6, ये डिवाइस कनेक्टेड है अगर, तो ऐसे जैसे अभी तक आपने बस में देखा वो भी यहाँ नहीं होगा, मेस टोपोलॉजी देखा वो भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ये इस तरह कनेक्ट होते हैं कि एक दूसरे से एक रिंग बनाते हैं। जैसे हमने कहा ये ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये और ये, तो देखिए ये एक रिंग बना रहा है ना, तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, इस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिवाइसेस इस तरह कनेक्ट होते हैं कि दे फॉर्म ए रिंग। ठीक, रिंग और यू कैन से सर्किल, जो भी कह लीजिए आप। तो ए रिंग टोपोलॉजी इज ए सर्किल दैट हैज नो स्टार्ट एंड नो एंड, टर्मिनेटर्स आर नेसेसरी इन ए रिंग टोपोलॉजी, सिग्नल ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ऑन ए रिंग व्हाइल दे आर पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द नेक्स्ट, ईच कंप्यूटर रीजनरेटिंग द सिग्नल सो दैट इट मे ट्रेवल द डिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें जो सिग्नल का ट्रेवल होता है, मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो जब भी कोई सिग्नल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मान लीजिए कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये कंप्यूटर उसको फिर से रीजनरेट कर देगा। मान लीजिए ये कंप्यूटर यहाँ ए से हमने नाम दे दिया कंप्यूटर्स का, ए बी सी डी ई एफ, अब मान लीजिए ए से जो सिग्नल चला है वो किसके लिए चला है, ई के लिए, तो अब वो पहले ए से बी पे आएगा, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पे, तब जाके ई पे पहुंचेगा। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में हो सकता है अगर वीक सिग्नल है तो वो आपका नॉइजी हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी नोड रास्ते में पड़ते हैं वो उसको रीजनरेट करते हैं, उसको फिर से स्ट्रांग सिग्नल बना देते हैं ताकि वो डिजायर डेस्टिनेशन तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच सके। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। मेन एडवांटेज ऑफ रिंग टेक्नोलॉजी इज दैट द सिग्नल डिजनरेशन इज लो सिंस ईच वर्क स्टेशन पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेटिंग द वीक सिग्नल, ये हमने आपको बता ही दिया। डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो इसका ये है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इफ वन वर्क स्टेशन फेल्स एंटायर नेटवर्क फेल, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो आपको सामने आप फिगर में देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इन्होंने रिंग नेटवर्क बना तो लिया, अब सपोज कीजिए ये कंप्यूटर फेल कर गया, आपका रिंग टूट गया, नेटवर्क खत्म हो गया, हमने कहा ये कंप्यूटर फेल कर गया तो भी रिंग ब्रेक हो गया और नेटवर्क शटडाउन हो गया, नेटवर्क खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिंग नेटवर्क का। ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द शेप ऑफ ए क्लोज लूप सो दैट ईच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अदर डिवाइसेज ऑन वन आइदर साइड ऑफ इट, ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट्स लेफ्ट एंड राइट नेबर नोड सच दैट ऑल नोड्स आर कनेक्टेड एंड दैट ईच नोड कैन रीच ईच अदर नोड बाई ट्रेवल्सिंग नोड्स लेफ्ट और राइट वार्ड। ठीक है, तो सारे नोड आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये इधर कनेक्ट है इधर कनेक्ट है, ऐसे ये इधर कनेक्ट है इधर कनेक्ट है, सारे नोड लेफ्ट और राइट अपने नेबर से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिग्नल का जो ट्रेवलिंग होती है वो एक ही, या तो ऐसे ही ट्रेवल करेगा सिग्नल या तो फिर ऐसे ट्रेवल करेगा, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल की ट्रेवलिंग होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंपली आपको मैं फिगर बना देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें सपोज कीजिए एक कंप्यूटर ये है, 2 3 4 5 6, चार इतने हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेंट्रली कनेक्ट होते हैं, मतलब सपोज कीजिए हमने यहाँ एक हब लगा दिया, हब आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो जान जाइए कि हब क्या है, हब सिंपली एक डिवाइस है जो कई वर्क स्टेशन को, कई कंप्यूटर को या कई डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, और आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि हब इज लाइक ए स्विच विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, थ्रू हब मतलब थ्रू हब के ही कनेक्ट होंगे। अब हमने कहा ये कंप्यूटर ए है, बी है, सी डी ई एफ, अब इनमें जो आपस में जो कनेक्शन होगा वो आपको ये देखना होगा कि डायरेक्टली भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, ये जो कनेक्ट होंगे ये आपस में हब के, जैसे ए कनेक्ट होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह कनेक्शन होगा इसमें, तो देख रहे हैं ये स्टार की तरह, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी।
ये एक स्टार जैसा बना रहा है। बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई भी दो डिवाइस आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो वो हब के, मान लीजिए ए से बी को डाटा भेजना है, तो वो ए से अगर बी को डाटा जाएगा तो वो हब के थ्रू ही जाएगा, ये सिग्नल ऐसे जाएगा तब ऐसे जाएगा, ठीक। सी से एफ को भेजना है, ठीक है, तो सी डाटा भेजेगा ऐसे और फिर यहाँ से एफ को पहुँचेगा। ई से बी को जाना है तो ई भेजेगा ऐसे और फिर ई से बी, यानी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हब के थ्रू ही होगा, ठीक। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अब इसको हम लोग बात करते हैं इसकी कि स्टार टोपोलॉजी डिजाइन विद ईच नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क हब ऑब्लिक स्विच, वो मैंने आपको बता दिया। ईच वर्क स्टेशन हैज ए केबल दैट गोज फ्रॉम द नेटवर्क कार्ड टू नेटवर्क हब और स्विच। ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। नोड्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाई पासिंग डाटा थ्रू द हब। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए स्पेशल सेंट्रल नोड। दिस इज द टिपिकल लेआउट फाउंड इन वायरलेस लैन वेयर ईच वायरलेस क्लाइंट कनेक्ट टू द सेंट्रल वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस कनेक्शन में भी इस तरह से ही स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है। अब इसके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं वो आप और डिस्कस कर लीजिए। इसके एडवांटेज क्या हैं स्टार टोपोलॉजी के, जो एडवांटेज हैं देखिए, वो पहला क्या है, सबसे पहला तो ये इजी टू इंस्टॉल एंड वायर है, मतलब देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करना और वायरिंग करना आसान होता है। सेकंड क्या है कि नो डिसरप्शन टू द नेटवर्क देन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस, क्योंकि सारी डिवाइसेस से कोई डिवाइस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये भी आपने देखा स्टार टोपोलॉजी में, ये डिपेंडेंट है केवल इस सेंट्रल हब पे, ये जो सेंट्रल हब है इसके थ्रू ये कनेक्टेड है ना जी सब ऐसे, ठीक है, इस तरह। तो क्या होगा कि अगर किसी, मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब हो गया हमारा, हमने इसको हटाया दूसरा कंप्यूटर लेके आए, तो उससे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो या हमने कहा एक कंप्यूटर हम और जोड़ रहे हैं तो और आप जोड़ दीजिए हब से, उससे भी नेटवर्क पे कोई उसकी वर्किंग में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फायदा है। तीसरा फायदा क्या है कि इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड रिमूव पार्ट्स। तो ये जो सामने है आपके नेटवर्क, भाई हमने कहा कि मान लीजिए इस लाइन पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इस लाइन पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो हम देख लेंगे भाई इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या इस लाइन में प्रॉब्लम है। अगर हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए दूसरी लाइन पे हमने कहा कि से इस पे इस लाइन पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब या तो इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या इस लाइन में प्रॉब्लम है, तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना आसान होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब आ जाइए डिसएडवांटेज पे। तो इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन ए लीनियर टोपोलॉजी, मतलब जो बस टोपोलॉजी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं तो उससे ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको देख के अंदाजा मिल जाएगा। सेकंड क्या है कि इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि अगर किसी भी वजह से हब फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क शटडाउन हो जाएगा। अगर किसी वजह से इसमें और किसी कंप्यूटर में दिक्कत आई कोई बात नहीं, अगर किसी भी वजह से अगर हब फेल हो गया, जो सेंट्रल स्विच है वही काम करना बंद कर दिया, तो सारे नोड आपके बेकार हो जाएंगे, जो नोड कनेक्ट है इससे वो बेकार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दिस टोपोलॉजी इज मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर बस टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेस। तो कॉस्टली तो ये बैठेगा ही, इट इज मोर कॉस्टली देन बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी से कॉस्टली इसलिए बैठेगा कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको देख रहे हैं ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़्यादा केबल आप लगाएंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मेन जो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो सेंट्रल हब वाला है, अगर सेंट्रल हब में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ गई तो आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गए होंगे, जो ये आपको मैंने आज इस लेक्चर में बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ये आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड वायरलेस टोपोलॉजी है, तो आई होप कि अभी ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा होगा, ठीक है। तो यस इट इज़ ऑलरेडी ऑलरेडी गोइंग टू बी क्लोज विद हाफ एन आवर। सो दीज टू हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड वायरलेस टोपोलॉजी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेटवर्क और इस पे अगर कोई और टॉपिक पे, नेटवर्क के टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट लाइन में लिखिए, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना के इस पे चैनल पे डाल दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।